मोदी की सीट बचाना है भाई। नहीं तो बीजेपी जीतती बोले जिताए, कमजोर थे आदत को जिताए। कसम अल्लाह की, इस कमजोर थे आदत की वजह से नौजवानों के जज्बात टूट रहे हैं, नौजवानों के हिम्मत टूट रही है। इस्लाम शर्मिंदा हो रहा है, मुसलमान शर्मिंदा हो रहा है। ये सीट बचाने के नाम पर कमजोर थे आदत को वोट करने का गुनाह मत कीजिए। अल्लाह के वास्ते हम तो ऐसे वैसे जी लेंगे। ये नौजवान बच्चे जो आगे आने वाले दिनों के अंदर हमसे पूछेंगे ये क्या बात है, आप खामोश क्यों थे। This video presented by Barker's Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. के रमजान के महीने में आपका ईमान की जो हरारत है, ईमान जो है बिल्कुल मजबूत होता है। रोजे की हालत में नमाजों का इत्तमाम होता है, जिक्र अस्कार होता है और साथ ही साथ सियासी फिक्र भी आपके दिलों में, आपके जहनों में रहना ये उसूली बात है। क्योंकि आज के इस दौर में सियासत को एक गंदी गाली बना के छोड़ दिया गया है। अरे वो सियासत कर रहा है, इसमें सियासत नको करो। अफसोस, एक दौर में इस्लाम वो मजहब है जो दो तिहाई दुनिया पर हुकूमत की, और हुकूमत किस तरह की जाए, क्या उसके उसूल हैं, ये दुनिया को बताने वाली अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरबियत दी, खुल्फाए राशिदीन ने हमको करके बताया। आज हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए यहाँ पर आलिम साहब मुझसे पहले तकरीर कर रहे थे कि इस मुल्क के जंगे आजादी में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने किया है तो वो हमारे उलमा इकराम ने किया है। खिलाफत मूवमेंट को मोहम्मद अली शौकत अली साहब ने किया है। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मुसलमानों ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपने खूनों की कुर्बानी ना दी। आज हमसे सवाल पूछे जाते हैं और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जिनका कोई 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 किरदार जंग आजादी में नहीं था, वो अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे। आज वो सवाल पूछते हैं हजरत टीपू सुल्तान से, आज वो सवाल पूछते हैं मुसलमानों के हिंदुस्तानी होने पर, जो मुसलमान हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दिए। यह हकीकत है। ऐसे दौर में, ऐसे हालात में एक तरफ फासिस्ट ताकतें इक्तदार में काबिज हैं, फासिस्ट ताकतें, कम्युनल ताकतें ग्राम पंचायत से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन तक मुसलमानों के वोटों को छोड़कर इक्तदार में बैठे हुए हैं। आज वही बात हो रही है कर्नाटका में। आज हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत 3 साल से किसकी वजह से है, बोलिए किसकी वजह से है? कांग्रेस के 15 MLA जिनको सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों ने वोट दी, वो लोग जाकर के अपने ईमान को बेचकर बीजेपी के साथ मिल गए। आज ऐसे हालात में जो मुसलसिल तौर पर हमारी शरीयत पे हमला हो रहा है, हमारी तारीख पर हमला हो रहा है, आपको फैसला करना है। आपको खामोश बैठने वाली लीडरों की चमचागिरी करने वाली खयालत होना है कि आपकी आवाज बनकर बेभावक किसी के साथ असेंबली के अंदर, ऐवान के अंदर आपके जज्बात को वहां पर रखने वाला आदमी होना है। इसका फैसला आपको करना है। क्या चाहिए आपको, बोलिए। खामोश बैठने वाले होना, आपकी बेटी के लिबास तक अगर कोई आ रहा है, आपके बेटी के लिबास तक हिजाब के नाम पर आज पहुंच गए हैं, बोलने वाले होना या खामोश बैठने वाले होना? अजान के ऊपर बात हो रही है, कोई स्वामी आकर के हनुमान चालीसा लगाने की बात कर रहा है, खामोश घर में बैठकर हिकमत के नाम पर घर में बैठने वाले होना या सुबह सुबह जाकर के महबूब के सामने खड़ा होने वाला होना? मैं पूछने आ पूछ रहा हूं आपसे, कौन चाहिए आपको? हिकमत के नाम पर मैं
आपको बात करते हो, उनको बात करते हो, इनको बात करते हो, डीसी साहब को बात करते हो, ऐसा होना ठीक है। मैं वहां जाता हूं, डीसी भी आता है, एसपी भी आता, बोलने वाला होना, बोलो मैं कैसे होना। आज सीट बचाना है, सीट बचाना है, सीट बचाना है, ग्राम पर फिर नारा बुलंद हो रहा है। 5 साल पहले भी यही बात हुई थी, सीट बचाना है भाई, नहीं तो बीजेपी जीतती बोले जिताए। कमजोर थे आदत को जिताए, कसम अल्लाह की इस कमजोर थे आदत की वजह से नौजवानों के जज्बात टूट रहे हैं, नौजवानों की हिम्मत टूट रही है, इस्लाम शर्मिंदा हो रहा है, मुसलमान शर्मिंदा हो रहा है। ये सिर बचाने के नाम पर कमजोर थे आदत को वोट करने का गुनाह मत कीजिए। अल्लाह के वास्ते हम तो ऐसे वैसे जी लेंगे। ये नौजवान बच्चे जो आगे आने वाले दिनों के अंदर हमसे पूछेंगे ये क्या बात है, आप खामोश क्यों थे, मस्जिद तक पहुंच गए तुम खामोश क्यों थे, क्या जवाब दोगे बताओ, क्या जवाब दोगे? कोई जवाब है आपके पास? नहीं, वो हम हिकमत करे थे, हम कमजोर खयादत को ओढ़ दिए थे। ये हिकमत जरूरत नहीं है, आज ईमान का तकाजा है, आपको हिकमत नहीं हक का साथ देना है, हक का साथ देना है। आपको लगता है, आपको लगता है आपका वोट का हकदार आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद है, लगता है कि नहीं लगता है आपको? जल्दी में सबसे पहले पहुंचने वाला मैं, घर में बैठने वालों को वोट दोगे? गुनाह करोगे मिल्लत के साथ, गुनाह करोगे मेरे साथ, मिल्लत के साथ भी इंसाफ होगा। नासिर हुसैन उस्ताद आपका भाई, आपका बेटा है, उसके साथ भी इंसाफ होगा, करेंगे इंसाफ, करेंगे इंसाफ।